गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बीएससी इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर और बीएससी इकोनॉमिक्स फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा जीएनडीयू और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स का। तो इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, बीएससी इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम्स दिसंबर मंथ और जनवरी मंथ में हुए थे और बीएससी इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर सभी स्टूडेंट्स की आंसर शीट चेक हो गई हैं और इस बार रिज़ल्ट पिछले साल से अच्छा आया है। वैसे तो जीएनडीयू और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट 14-15 फरवरी से आने शुरू हो गए थे और डेली रिज़ल्ट पब्लिश हो रहे हैं और बीएससी क्लासेस के रिज़ल्ट भी पब्लिश हुए हैं। बीएससी होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर, बीएससी होम साइंस थर्ड सेमेस्टर और बीएससी होम साइंस फिफ्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट पब्लिश हो चुका है जीएनडीयू की वेबसाइट पर। और अब हम आपको बताते हैं कि बीएससी इकोनॉमिक्स के तीनों सेमेस्टर के रिज़ल्ट कब पब्लिश होंगे। तो बीएससी इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का रिज़ल्ट 15 मार्च से 21 मार्च के बीच बीच में पब्लिश हो जाएगा। बीएससी इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर का रिज़ल्ट 16 मार्च से 22 मार्च के बीच बीच में पब्लिश हो जाएगा। बीएससी इकोनॉमिक्स फिफ्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट 18 मार्च से 24 मार्च के बीच बीच में पब्लिश हो जाएगा। मतलब कि मार्च थर्ड वीक में ज़्यादातर क्लासेस के रिज़ल्ट पब्लिश हो जाएंगे और ओवरऑल जीएनडीयू और सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट 31 मार्च तक सभी क्लासेस के पब्लिश हो जाएंगे जीएनडीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर gndu.ac.in पर। ऑल दी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को। उम्मीद है कि आप सभी पास होंगे और आप सबके बहुत ही अच्छे मार्क्स आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तब तक इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी फ्रेंड्स के साथ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि हम जैसे कोई न्यू वीडियो आपके लिए लेके आएँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।